गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर जमाल अख्तर आज आपसे रूबरू हूं और मैं होशंगाबाद के बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग अपनी सीट ले लीजिए। इसके साथ साथ जो बच्चे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, ये झाबुआ के बच्चे कुछ पीछे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आगे आ जाएं। हरदा में भी सामने बैठे हुए इधर ये सीहोर के बच्चे जो हैं, वो भी पीछे की तरफ बैठे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आ जाएं। बच्चों, बहुत आप जो आपका उच्च शिक्षा विभाग है वो बहुत कोशिश करता है कि वो आपको लाभान्वित करे इन लेक्चर्स से, लेकिन जब हमें सीटें खाली दिखती हैं और बच्चे किसी जगह पे सेंटर में नहीं होते हैं, वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड। ये आप सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आपको जब पता है कि आपकी वर्चुअल क्लास है तो ये आप उसमें आइए, और तभी आपकी कोई हेल्प हो सकती है अगर आप हेल्प लेना चाहें। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी शुरुआत जो है वो मेंटल हेल्थ एंड योगा से है, यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर योगा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हम सारे लोग जो हैं वो रोज एक तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो समस्याओं से भरा हुआ है, जो परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। आज जो आपकी क्लास हो रही है वो इसी के ऊपर आधारित है कि कैसे हमें जो है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको बताऊं कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य की तो बहुत बात करते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, न्यूट्रिशन की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, लेकिन हम इस बारे में शायद ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका भी अगर वो सही नहीं, हमारा स्वस्थ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उससे हमारे पूरे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे के ऊपर बहुत ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य में जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगे कि किसी प्रकार की उसको मानसिक बीमारी नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, उसको हम कहते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तब हम सही तरीके से सोच सकते हैं, हम अपने तनाव को हैंडल कर सकते हैं, अपने तनाव को समझ सकते हैं, अपने तनाव का निदान कर सकते हैं। बच्चे होशंगाबाद और छतरपुर, सीहोर, ये सब मेरे सामने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप जरा सा ध्यान दीजिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि मुझे अंदाजा होगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं या नहीं। आप सब लोग स्ट्रेस का मतलब जानते हैं, तनाव का मतलब जानते हैं? अगर जानते हैं तो हाथ उठाइए। होशंगाबाद वाले बच्चियां, आप मेरे सामने हैं, आप तनाव का मतलब समझते हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप हाथ उठाइए। छतरपुर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आप होशंगाबाद से? मैं मेंटली टेंस। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको माइक मिल गया, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, आई वॉन्ट टू कॉल इट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आप बिल्कुल सही समझे, क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है कि जिसको कोई भी मानसिक तनाव नहीं है? अगर ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं, वेरी गुड। अब इससे ये पता चलता है कि हमारे पास मानसिक तनाव तो है, हमें चाहिए क्या कि इन मानसिक तनाव को हम कैसे उनको हैंडल करें, कैसे उनको मैनेज करें, कैसे उनको कंट्रोल करें। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है तो हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं।
जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो इस बात पर ध्यान देती है कि मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो, उसको ऐसा लगे कि वो अपना कार्य कर सकता है, उसमें योग्यता है, वो बहुत अधिक लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है। देखिए, निर्भर तो हम सभी लोग हैं, ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन ए सोसाइटी, लेकिन वो निर्भरता ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी कोई सहेली जो है वो किसी कारण वो 3 दिन की छुट्टी करती है, आपके और उसके सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो आप सिर्फ इसलिए कॉलेज ना जा पाइए कि जब हमारी दोस्त नहीं जा रही है, हमारी फ्रेंड नहीं जा रही, तो मैं कैसे कॉलेज जाऊं। इसका मतलब कि आप उस पे आवश्यकता से अधिक निर्भर कर रहे हैं। कोई भी काम है कहीं पर करने के लिए, आपको एक फोटोकॉपी भी करवाना है, तो आप चाहते हैं कि 2 लोग आपके साथ हों, तब आप फोटोकॉपी करवाना यहां से 100 जो है वो गज की दूरी पर जाइए। ये बहुत अधिक ये निर्भरता है। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए कि छोटे छोटे काम आप कर सके। अगर हमारी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है, तो हम अकेले अपने आप को सक्षम समझते हैं। दूसरे, जो कुछ भी हमें आत्मनिर्भरता आ जाती है और हम अपने आप को संवेगात्मक तौर से हैंडल कर सकते हैं, हम में संवेगात्मक परिपक्वता होती है और हमारे अंदर मानसिक योग्यता भी होती है। अब आप थोड़ा सा समझे बच्चे कि मानसिक स्वास्थ्य से हमारा क्या मतलब है। अगर समझ रहे हैं तो अपना हाथ उठा दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम सबको अपना मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखने की जरूरत है। वैसे आप लोग मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप और हमको सबको जानना चाहिए कि हम शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात करते हैं, लेकिन हम मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि हम अपने आप को सही समझें, हमें में बहुत अधिक परेशानी नहीं हो, हम बहुत अधिक मेंटली टेंस्ड नहीं हो और हम में कोई मानसिक रोग ना हो। हम शारीरिक रोगों की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने मानसिक बीमारियों के बारे में बात नहीं करते हैं। मान लीजिए बस अभी अब आके देखेगा जो मानसिक बीमारियां जिनके मैं नाम बताऊंगी आपको, जैसे चिंता मनस्ताप है या एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता विकृति है। अगर मान लीजिए मेरे बेटे को या मेरी बेटी को टाइफाइड है या बुखार या वायरल फीवर है या डेंगू है, तो मैं आके कॉलेज में बताऊंगी कि मेरा बच्चा बीमार है, उसको डेंगू हो गया, उसको वायरल फीवर हो गया है। लेकिन अगर मेरा बच्चा जो है वो चिंता मनस्ताप का रोगी है, तो मैं कभी भी नहीं बताना चाहूंगी कि मेरा बच्चा जो है वो चिंता मनस्ताप से सफर कर रहा है। और हमें इसी चीज को खत्म करना है कि जैसे हमारे शारीरिक रोग होते हैं वैसे ही मानसिक रोग होते हैं। जैसे हम शारीरिक रोगों का निदान करते हैं, उसी प्रकार से हमें मानसिक रोगों के निदान के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने का मतलब आप समझे बच्चों? मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने का मतलब यह कि हम मानसिक रोग हमें ना हो, कम से कम ऐसे रोग जो सिर्फ हमारी समस्याओं और हमारी सोच से डेवलप होते हैं। अब इसके बाद हम आ गए कि योगा क्या होता है। मेरे ख्याल से योग या योगा तो हम सब लोग समझते हैं,
कितने लोगों ने योगा का नाम सुना है, प्लीज अपना हाथ उठाइए। चलिए, आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने सबने योगा का नाम सुना है। देखिए, योगा बहुत पॉपुलर हो गया है। मुझे ध्यान है एक 2002 या 2003 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पौंडीचेरी में, आप समझ सकते हैं से 15 years back, जिसमें कुछ वेस्टर्न लोगों ने यानी यूरोपियंस ने या गोरे लोगों ने योगा के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी और हम साइकोलॉजी के लोग उसमें गए थे। तब ये लग रहा था कि योगा जो है उसके ऊपर वेस्टर्न लोग इतना जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये चीज जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों की ये ही है एक प्रकृति है कि अगर कोई भी चीज को वर्ड अगर पहचानता है तो हम उसको और ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब योगा जो है ये, तब मैंने एक पेपर पढ़ा था कि योगा और उसके क्या फायदे होते हैं, और कुछ साल के बाद मुझे लगा कि योगा जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो रहा है और कितनी उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो रोज बरोज बढ़ रही है। योगा जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, किसी भी चीज को, दो चीजों को जोड़ना। इसका मतलब ये भी होता है कि हम किस तरीके से ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमको तीन तरीके से हम जो है वो जुड़ जाएं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर। जब हम योगा करते हैं तो हमें न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये आप सब जानते हैं कि हम इस पे ध्यान शायद ज्यादा नहीं देते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं तो हमको अंदर से भी बुरा लगता है, हमें मानसिक तौर से भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर हम मानसिक तौर से हम जो है वो दुख में हैं, हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस आउट हैं, तो हमको थकान भी ज्यादा लगेगा, हमें शारीरिक बीमारियां भी महसूस होती रहती हैं। ये योगा जो है ये एक ऐसी फिलॉसफी है, ऐसा ये दर्शन शास्त्र है जिससे ये लगता है कि हम किस प्रकार से एक अपने अंदर एक पीस महसूस कर सकते हैं, एक सुकून महसूस कर सकते हैं, और हम कैसे हमको अपने बॉडी और अपने माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको एक ऐसे लेवल पे ले आए कि हमको सुख की प्राप्ति हो। ये सुख हमारा तीन प्रकार से होता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल सुख, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं इसमें। योगा जो है इसको हम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। बच्चे मोक्ष समझते हैं आप लोग? मुझे पता है हमारे बच्चे जिस उम्र में है उनको मोक्ष के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हम पूरी दुनिया के जो भी चक्कर हैं उनसे हम ऊपर हट जाएं, ऊपर उठ जाएं, हमें एक तरीके से सॉल्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाए। आप इसको और सिंपल तरीके से समझिए कि जब बहुत सी चीजों के साथ हम एक तालमेल बिठाकर हम सुख की अनुभूति करें और हम जो भी वर्डली चीजें हैं, जो दुनिया की चीजें हैं, मोक्ष में हम ये मानते हैं कि हम माया से जो है वो जो जुड़े हुए हैं वो हमारा खत्म हो जाता है, दौलत से हम जो जुड़े हुए हैं, जो शोहरत से जुड़े हुए हैं। बेटा सीहोर वाले बच्चों, आप लोग एक तरफ बैठ जाइए और इतना मूवमेंट मत करिए। उसके बाद एक और चीज आ गई कि
योगा की एक और डेफिनेशन जो है, या योगा क्या होता है, योगा की जब एक बाय प्रोडक्ट है ये कि जिससे हमको, हम अपने शरीर को का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कॉन्शियसनेस हमें अंदर आ जाती है। आप देखिए, हम सब लोग, एक वर्ड आता है कि हमें, बहुत कॉमन चीज है कि हमें ध्यान नहीं रहता है। देखिए, हम भूलते हैं सब, आप लोग भूलते हैं या नहीं भूलते हैं? अगर कोई नहीं भूलता है तो वो हाथ उठाए। भूलना जो है वो एक मानव प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। लेकिन अगर हम हद से ज्यादा भूल रहे हैं, इसका मतलब कि हम जो है वो, देयर समथिंग रॉन्ग विद अस। हमें, आप लोगों की उम्र में जो है वो इतना नहीं भूलना चाहिए। मेरी उम्र में तो इट इज ओके, आई एम मोर देन डबल ऑफ योर एज। लेकिन अगर आप लोग भूल रहे हैं, तब ये जो है ये, इसका मतलब कि आपका ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं है तो इसका क्या कारण है? ध्यान ना रहने का कारण मेन ये है कि आप और किन्हीं चीजों में एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से आपको जो है वो, आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत से काम एक साथ रख लिए हैं, बहुत से कामों की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और एंड रिजल्ट ये है कि आप हर काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर फॉरगेटिंग ईच एंड एवरी डे। अगर हम अपने भाव का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर हम अपने बारे में अवेयर होंगे, तो हमारे मेमोरी जो है वो भी अच्छी रहेगी। आपको ध्यान होगा कि योगा जो है, इंटरनेशनल योगा डे जो है, वो अभी कब मनाया गया था? अभी 3 साल पहले जो है, ये 2015 में जो हमारी सरकार है उसने योगा डे मनाया, और इट वॉज एन इंटरनेशनल योगा डे। पूरी दुनिया को पता चला कि भारत की जो ये पद्धति है, जो हम, वो लोग समझ रहे थे कि खाली ये एक एक्सरसाइज है, जैसे कि और बहुत से एरोबिक्स होते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है सिर्फ, इससे हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहता है। अब आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज के, योगा के ऊपर, योगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, ये भी स्टडी जो है ये हमारी वेस्टर्न ग्रुप से आई है, यानी हमारे जो वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टडी की कि किस प्रकार से योग जो है, या योगा करने से, डिफरेंट आसन जो हम करते हैं, उससे कैसे हमारी, हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। 2017 में, यानी 2007 में एक स्टडी हुई, तकरीबन अब से 10-11 साल पहले, जिसमें क्रिस स्ट्रीटर जो थे, उन्होंने देखा कि जो लोग योग करते हैं, जो आसन करते हैं, ब्रेन में एक केमिकल बनता है गाबा, GABA। ये एक ऐसा केमिकल बनता है कि जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, अगर उसको बार बार दुख लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन आप समझते हैं बच्चों, होशंगाबाद के बच्चों, डिप्रेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, मायूसी, विषाद, दुखी रहना, समझते हैं? एक ये बहुत आजकल कॉमन समस्या है डिप्रेशन की। हमारी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बड़ी उम्र के भी आ जाते हैं। पहले डिप्रेशन जो है वो हमको बच्चों में नहीं दिखता था, कि जिस प्रकार से हमारी जीवन पद्धति है, उसमें अब जब हम देख रहे हैं कि 12-13 साल के बच्चे जो हैं, उनमें भी डिप्रेशन रह रहा है। जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं, खुदकुशी के जो केसेस होते हैं, उनमें बहुत बार ये देखा जाता है, खासकर अगर प्राइम यूथ में कोई 18-20-25 साल का कोई व्यक्ति जो है अगर खुदकुशी कर रहा है, तो बहुत बार कारण जो है ये हो सकता है कि उसमें
वो विषाद का रोगी हो, डिप्रेशन में हो, लोगों को पता ही नहीं चल पाया घर वालों को कि ही सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का रोगी हो गया है। डिप्रेशन में क्या होता है, यही जो हमारे गाबा जो केमिकल्स हैं इनका सिक्रीशन कम हो जाता है। स्ट्रीटर जो है इन्होंने फिर से एक और स्टडी की, अब पहले 2007 में की थी, फिर इन्होंने 2010 में एक और स्टडी की। इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप आसन करते हैं, आप योग की एक्सरसाइजेस करते हैं, ये लोग बेटा एक्सरसाइज ही कहते हैं आसन को, तो वो उन एक्सरसाइज से बहुत बेहतर होता है जो हम वॉकिंग में करते हैं। देखिए ज्यादातर एक्सरसाइजेस से मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं वो वॉकिंग करते हैं यानी टहलते हैं, टहलने में से भी उनको जो है वो उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता है, अच्छा होता है। लेकिन इन्होंने बताया 2010 में स्ट्रीटर ने कि अगर हम वॉकिंग के बजाय, टहलने के बजाय अगर हम जो है वो योग करते हैं तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और ज्यादा अच्छा होता है और उससे जो है वो जो गाबा केमिकल है वो और अच्छे से हमारा सिक्रीट होता है। अब इसके ऊपर हम आ गए कि योगा जो है वो कैसे ब्रेन को कैसे बदल देता है। ब्रेन को बदलने का मतलब ये नहीं बेटा कि कोई ब्रेन के अंदर जो है वो कुछ सफाई ये कर देगा या कोई नया रंग दे देगा। ब्रेन के ऊपर कैसे ये असर डालता है, ये इस केमिकल के जो है इससे जो हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें जो डेवलप होती हैं, जैसे डर है, जो इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो ऋणात्मक सोच हमारे उसमें आती है कि कई बार हमको ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए जीवन जो है और पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो कितने योग्य हैं, मैं ही अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, और सारे लोग कितने सुंदर हैं, मैं ही असुंदर हूँ, इस टाइप की जो नेगेटिव चीजें होती हैं, और मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, नोबडी केयर्स फॉर मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सारे लोग मतलबी हैं, सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ये सारे बच्चे नेगेटिव थॉट्स हैं। जितनी भी मैंने अभी आपको ये बताए हैं, सेंटेंसेस बताए हैं, जो भाव बताए, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। अब इन नेगेटिव थॉट्स की जो है इन ये कम आने लगते हैं अगर गाबा जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है हमारे उसमें। इसका मतलब जो नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल जिम्मेदार होते हैं उनका सिक्रीशन को ये कंट्रोल कर देता है। मन में जो बुरे बुरे विचार, जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं बुरे विचार, वो आना जो है वो कम हो जाते हैं। जब ये बुरे विचार हमारे मन में बहुत अधिक आने लगते हैं तब क्या होता है, हम बहुत बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, चिंता डेवलप हो जाती है। चिंता हम सबको रहती है लेकिन एक चिंता होती है कि जो इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग चिंता, हर समय व्यक्ति जो है वो चिंताग्रस्त है। कुछ अच्छा हो गया है, जैसे मान लीजिए सामान्य चिंता यह है कि मैं बैठी हूं और मुझे ये फिक्र इस वक्त सिर्फ होनी चाहिए कि मैं जो कार्य कर रही हूं वो मैं सही से डिलीवर कर दूं, यानी आप जो भी बात मैं पहुंचाना चाह रही हूं वो आप तक पहुंच जाए, दैट इज ए नॉर्मल चिंता। लेकिन अगर मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद लग रहा है कि कुछ टाइम ऐसा ज्यादा हो रहा है, कोई कुछ घर में तो नहीं हो गया, फिर मैंने मोबाइल चुपके से चेक किया, फिर मैंने ऐसे देखा बाहर तो कोई नहीं आ रहा है, इधर देखा, फिर मुझे लगता है कि एक बार चेक कर लूं कि कुछ न्यूज में कुछ खराब तो नहीं हो गया है, कोई कहीं पे बम तो नहीं फूट गया है, कहीं के ऊपर कोई हमला तो नहीं हो गया है। अब अगर ये ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं और मैं हर एक दो मिनट के बाद मैं कभी अपनी घड़ी देख रही हूँ, कभी मोबाइल चेक कर रही हूँ, कभी इधर पर्स की तरफ देख रही हूँ, फिर मैंने छिपा कुछ किया, इस 30 सेकंड में मैं तरीके से भी व्यवहार किया, अगर मेरा व्यवहार ऐसे ही होगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये सामान्य चिंता नहीं है, ये जो है ये चिंता मनस्ताप है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता विकृति है।
अब अगर मैं अधिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उससे चिंता विकृति होने लगती है। दूसरी चीज क्या होती है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मैंने आपको अभी बताया था कि डिप्रेशन का मतलब होता है कि मनुष्य के मन में सारे बुरे तरीके के विचार आए। मान लीजिए हर समय यही ध्यान आता रहे कि कोई मुझे रोग नहीं हो जाए। अभी कल मैं गई, मैंने एक रोगी को देखा, उनको कोई बीमारी हो गई थी, ऐसी बीमारी हो गई थी कि जो हम कह सकते हैं कि क्यूरेबल नहीं है। अब पूरा दिन अगर मैं उसी बात पे सोचती रहूं कि मुझे तो बीमारी नहीं हो जाएगी, मुझे अमुक बीमारी तो नहीं हो रही है, जब बीमारी रही नहीं है तो फिर कुछ करने की क्या जरूरत है, और सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेकर, मैं 10 लोगों को बता रही हूँ कि मुझे लगता है मुझे कोई बहुत बीमारी होने वाली है, मैं मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, बुरा ही होगा। अब आप समझ लीजिए कि इट्स ए साइन ऑफ डिप्रेशन। अगर और आपके सामने भी बैठ के मैं 2 मिनट के बाद मुझे रोना आने लगता है और मैं आपके सामने ही रोने लगती हूँ, तो आप रेस्ट अश्योर्ड समझ लीजिए कि मैडम जो है उनके साथ कोई मानसिक रोग है। मैं जब अपने बच्चों को एक बताती हूँ कि सामान्य रोग, सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में क्या फर्क होता है, वो एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, आप भी इसको सुन लीजिए। और आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि सामान्यता और असामान्यता जो है एक, वो उसमें क्या फर्क होता है। आप मान लीजिए मेरे क्लास में पहली बार अटेंड करने आए हैं, आप देखते हैं कि मैं बहुत चुपचाप बैठी हुई हूँ। आप लोगों में से फर्स्ट आपकी क्लास है, फिर उनमें से 2-4 बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर देखते हैं कि अब ये मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कुछ बोले, फिर मेरा गला भर आता है। आप में से कोई पूछता है कि मैडम कुछ तबीयत आपकी नहीं ठीक है, क्या हो गया? मैं बहुत दुखी उसमें बताती हूँ कि मेरी मदर की डेथ हो गई। अब आप सारे लोग जो हैं वो बड़ा सिंपैथेटिक हो जाएंगे कि मैडम बेचारी की मदर की डेथ हुई है अभी, और फिर भी ये क्लास में आ गई है। फिर एक और बच्चा जो है वो मुझसे पूछता है कि मैडम कब डेथ हुई आपकी मदर की? मैं कहूंगी 10 साल पहले। तो अभी तक जो आप लोग मेरे साथ हमदर्दी रख रहे थे कि मैडम जो है वो क्लास में आ गई, कॉलेज में आ गई, जबकि अभी इनके साथ ऐसी समस्या हुई है, जब आपको ही पता चलेगा कि 10 साल पहले डेथ हुई थी तो आप लोग क्या करिएगा? आप लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगेगा और धीमे से आप सोचिएगा कि कुछ मैडम के साथ समस्या है। अगर 10 साल मदर की डेथ हो गई और वो अभी क्लास में बैठ के ऐसे रोने की स्थिति में है, इसका मतलब कि इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका मतलब यही हुआ बेटा कि मैं किसी न किसी, चाहे मैं डिप्रेशन की रोगी हो गई हूँ, क्योंकि हर चीज एक समय सीमा तक में जो है वो उसका दुख सामान्य लगता है। अगर 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं तो ये सामान्य व्यवहार है, लेकिन अगर 10 साल के बाद जो है मैं इस बात पर रो रही हूँ, क्लास में रो रही हूँ, तब आप समझ लीजिए कि ये जो है ये मैडम आपकी जो है वो एक मानसिक रोगी है, डिप्रेशन की रोगी है। बेटा आपको डिप्रेशन कुछ समझ में आया? होशंगाबाद के बच्चे आप ही लोग सामने आ रहे हैं, आप ही से पूछ रही हूँ, डिप्रेशन समझ में आ रहा है अब आपको? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं बच्चे, मुझे लगता है माइक्स तो आप सबके पास ही है। मैं अपने सारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग बच्चों के को माइक दीजिए, कि अगर वो बीच में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। और बेटा हाँ पूछे बच्चे, डिप्रेशन से बाहर निकलने की क्या, डिप्रेशन से बाहर निकलने की क्या है? बहुत बेटा आपने ये अच्छा सवाल किया है। डिप्रेशन का रोग जो है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लिटरली हमें डिप्रेशन से, पहली चीज क्या है, हम इसको कहते हैं कि हमें अपने को कॉग्निटिव थेरेपी देनी पड़ती है। अगर आपसे खुद नहीं संभल रहा है तो आप कोई काउंसलर के पास जा सकते हैं,
लेकिन सबसे पहले अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव चीजें आती हैं, ऋणात्मक चीजें आती हैं, बुरी चीजें आती हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल स्टॉप करिए। देखिए बहुत अच्छा मैंने कहीं के ऊपर एग्जाम्पल ये पढ़ा था, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारे बहुत से पौधे जो हैं वो उगते रहते हैं, अगर हम उस पौधे में पानी डालते रहते हैं तो वो पौधा बड़ा होता रहता है, और अगर हमने उसको कुचल दिया पैर से तो वो पौधा जो है वो नहीं बढ़ता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर हम उसके ऊपर उसमें पानी डालते रहते हैं उस पौधे में नेगेटिव थॉट्स के, तो हमारी वो बढ़ती रहती है। इसलिए जब भी आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ, अपने आप को आप जोर से भी बोल के कह सकते हैं कि प्लीज चुप रहो, ऐसे अपने थॉट्स मत आने दो। आपको बुरा लग रहा है तो आप अच्छे से कपड़े पहन के निकलिए, दोस्तों के साथ घूमिए, आप भले नकली हंसी हंसिए, आप जो हैं वो आईने के सामने, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होके हंसिए। आप सोचिएगा कि नकली हंसी है या हंसने से भी कैसे होता है आपका डिप्रेशन कम हो सकता है या दूर हो सकता है। उसमें भी बेटा यही रहता है कि जब हम हंसते हैं भले हम नकली हंस रहे हैं, तो उसमें ब्रेन को हमारी हंसी से सिग्नल्स पहुंचते हैं और ब्रेन जो है वो ये समझता है कि हाँ समथिंग गुड इज हैपनिंग, इसलिए ब्रेन जो है वो सिग्नल्स देने लगता है कि हमारा डिप्रेशन दूर होगा, केमिकल सिक्रीट होने लगते हैं। सो व्हेनेवर यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ट्राई टू फील हैप्पी। उन लोगों के साथ रहिए आप कि जो आपको बहुत पसंद है, जिनके साथ आप एक्सेप्टेड फील करते हैं, जो आपको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। अपने आप अपने अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको ढूंढिए, दूसरों की हेल्प करिए। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी देखनी चाहिए। ब्लेसिंग्स का मतलब ये है कि जो हमारे साथ अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम इसे कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम कितने सुखी हैं कि हमारे पास दोनों आंखें हैं और हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं। वी टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम सोचते हैं ये तो होनी चाहिए, ये कौन सी खास बात है। आप जब भी बच्चे, पहली चीज ये कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। अगर हम मान लीजिए मैं जितनी बार भी निकलती हूँ ऐसी रोड से जहां के ऊपर बहुत से बच्चे हमें बेगर्स या जो है वो दिखते हैं, आप यकीन मानिए एवरी डे आई थैंक गॉड कि अगर मान लीजिए मैं उनके घर में पैदा होती तो शायद मैं सड़क के ऊपर बैठकर भीख ही मांग रही होती, क्योंकि घर में वही माहौल होता, माँ बाप जो है वो बच्चों को भेज देते हैं कि आप यही काम करिए। अब आप सोचिए कि हम कभी भी अपने आप को उस लेवल तक नहीं समझते हैं, ये या मान ली हमारा हाथ या पैर हमारा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कितने आपको बताती हूँ कि मेरी पूरी रिसर्च जो थी, बहुत पहले की बात है बेटा, आई कंप्लीटेड माय रिसर्च इन 86-87, वो फिजिकली हैंडीकैप लोगों पे थी, और शायद इसने मुझे बहुत बड़ी चीज सिखाई कि जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर के जो अंग हमें मिले हुए हैं, वो उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैं एक बार और ये बता चुकी हूँ कि एक बार मैंने दिल्ली में एक सेंटर था, वोकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसमें एक व्यक्ति था जिसके हाथ जो थे ये ऐसे हाथ नहीं थे बच्चों, बल्कि ऐसी लताएं जैसी थी, और वो उसमें पता नहीं कैसे फंसा के ही यूज टू राइट, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी। तो जब बुरे विचार आते हैं मन में तो ये सब सोचिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास जो है ये हमारे पास, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो चीजें हैं उनका हम किस तरीके से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि हम जो है वो अंबानी के घर नहीं पैदा हुए, हम टाटा के घर नहीं हुए, हम इतने अमीर नहीं है, हम जो है वो
कोई मॉडल जैसे सुंदर नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये हमको ऋणात्मक सोच डेवलप करती है। हम ये तो बहुत अपने आप पर हम तरस खाते हैं कि अगर हम जो है वो अंबानी क्या पैदा होते, बिल गेट्स क्या पैदा होते तो क्या ऐश थे हमारे। लेकिन इस बारे में भी सोचिए कि अगर उसके बजाय हम दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर पैदा हो गए होते, किसी हम बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में पैदा हो गए होते, हम किसी बेगर के यहाँ पैदा हो गए होते, तब भी हमारा क्या चाह रहा था। सो वॉट एवर यू हैव गॉट, जो आपके पास है उसके ऊपर सुख महसूस करिए, दूसरों की हेल्प करिए और आगे बढ़िए। एवरीथिंग, हमारी सारी चीजें जो है वो, बहुत पुराना सा एग्जाम्पल जो है वो ये पानी वाले ही है आपका, बेटा अब हम इसको चाहे आधा खाली कहें या आधा भरा कहें, ग्लास में कोई फर्क नहीं होता है, पानी उतना ही रहेगा। अगर हम यही सोच के खुश हो जाएं कि अभी इसमें पानी है थोड़ा और पी सकते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, बजाय हम ये सोचते रहें कि अब हमने इतना पानी पी लिया, अब इतना बचा है, पता नहीं कैसे आगे होगा। इट इज अप टू यू टू थिंक द वे यू वॉन्ट। हमारे पास, मैं कितने लोगों को जानती हूँ कि जो जिनके पास हर चीज है दुनिया की, नई गाड़ी होगी बेटा उसके बाद भी वो उसमें बैठकर सुखी नहीं होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा घर है उसके बाद भी वो सुखी नहीं है, उनके पास बहुत अच्छी सराउंडिंग्स हैं लेकिन उसके बाद भी दे आर थैंकलेस पीपल। वो कभी भी जो है वो इस बात के ऊपर ऊपर वाले का धन्यवाद नहीं करते हैं कि उनको ये सारी चीजें मिली नहीं, बल्कि वो इस बात पर हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे साथ सब बुरा होता रहता है। क्या बुरा हो गया, मान लीजिए बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको सच बातें मैं बता रही हूँ बेटा, सोच ही सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, जबकि देखने वाले को नहीं लगेगा कि बाल में कोई कमी आई है। मेरी नाक जो है वो थोड़ी ऑड सी है, अगर मेरी बिल्कुल सीधी नाक होती अच्छी तो मैं बहुत खुश होता। मेरे जो है वो 80% अगर नंबर आ जाते तो मैं खुश होता, मुझे जो है वो 70% आए इसलिए नहीं खुश हूं, जबकि एक ऐसा कंपटीशन जिसमें 70 या 80 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम डिप्रेशन से जो है वो किस तरीके से डील कर सकते हैं। अगर और आपको कोई सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप पूछिए, जब तक मैं ये एक दो स्लाइड्स आपको और बता रही हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर आपको मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये जब मैं हर समय चिंता कर रही हूँ तो वो चिंता मनस्ताप हो गया, जब मैं अपनी डेली काम नहीं कर पा रही हूँ तब वो जो है वो अब मैं मानसिक रोगी हो गई। जब कोई भी व्यक्ति चिंता मनस्ताप का रोगी होता है, मानसिक रोगी होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो गाबा है, जो मैं आपको बता रही थी कि केमिकल जो है उसका सिक्रीशन जो है उसका बनना वेवर्ड हो जाता है, सही तरीके से नहीं होता है। अगर हम योगा करेंगे तो क्या होगा, हमारे गाबा बनने लगेंगे और हमारी एंजाइटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंजाइटी डिसऑर्डर के जो टाइप्स होते हैं उनमें ये होता है कि व्यक्ति दूसरे लोगों से, इसमें फोबिया भी होता है, फोबिया का मतलब होता है जब बिना वजह हमें डर लगता रहता है। कितने लोग जो हैं वो अंधेरे से डर रहे हैं, कोई खून से डर रहा है बहुत ज्यादा, कोई छिपकली जो है वो कमरे में दिख गई तो वो उस घर में नहीं जाएंगे। इस टाइप के छोटे मोटे जो फोबियाज होते हैं वो हम सब में होते हैं, अगर ज्यादा फोबिया बढ़ जाता है तब फिर जो है वो असामान्यता में आ जाता है या वो जो है वो मानसिक रोग में आता है। अब फिर से हम आ गए, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, ये योग जो है या योगा किस तरीके से हमारे विषाद को कंट्रोल करता है। आप अगर हम योग करते हैं, योगा करते हैं तो हमारे अंदर धनात्मक सोच होती है, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। और जैसे बेटा
कुछ दवाएं आपने सुना होगा वर्ड एंटी डिप्रेसेंट, यानी अगर कोई जो है वो डिप्रेशन का रोगी होता है तो उसको डॉक्टर कोई दवा देते हैं। क्या दवा से मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो उसको उन्होंने कोई दवाई गोली दी जिससे कि ब्रेन में जो है वो जो डिप्रेशन की के कारण जो केमिकल कम सिक्रीट हो रहा है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगी, जिससे व्यक्ति का डिप्रेशन जो है, दुख जो है वो कम हो जाए। ये योग से जो है वो बिना दवा दिए हुए वो योग करने से वो जो है वो केमिकल हमारा ब्रेन सिक्रीट करने लगता है। एक और जो रहता है वो ये तक देखा गया है कि जब हम किसी को डिप्रेशन होता है तो जो साइकोथेरेपीज जो हैं वो बताते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी की करते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन में केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। ये योगा करने से बिना दवा दिए जो है वो हमें हमारी ये केमिकल्स जो हैं ये बढ़ने लगते हैं। सुनने में आपको शायद यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इतनी स्टडीज हुई हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि योग करने से जो है वो हमारा डिप्रेशन दूर हो सकता है। योग करने से हमारे अंदर काइंडनेस डेवलप हो जाती है, यानी हम जो है वो लोगों को माफ करना शुरू कर जाते हैं। उसके साथ हम जो है वो एक चीज के ऊपर हमारा ध्यान जो है वो बैठने लगता है, यानी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हमारे अंदर प्रेम भाव जो है वो ज्यादा जागृत होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रेम भाव जागृत होने से क्या फायदा है बेटा। प्रेम भाव जागृत होने से ये फायदा रहता है कि हम में चिढ़ नहीं होती है, हमें लोगों से नफरत नहीं होती है। अगर किसी ने गलत किया है तो हम उसको माफ कर देते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं है, समथिंग व्यक्ति है, हम सबसे गलतियां होती रहे हैं, हम भी अपने आप जो है वो आई ऑल्सो कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हम अगर हमारे करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उनको हम माफ कर देते हैं, माँ जो है बच्चा कितनी बदतमीजी करता है लेकिन माँ जो है बच्चे को माफ कर देती है बिकॉज शी लव्स हर सो मच। इस प्रकार के जो है वो इमोशंस और लोगों के लिए भी फील होने लगते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं हमारे पास समय जो है वो तकरीबन 5-7 मिनट है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वर्चुअल क्लासेस के, वो बच्चों को माइक दे दें जिसमें वो बच्चे 5-7 मिनट क्वेश्चंस करके अपनी जिज्ञासाओं को दूर करें। मुझे छतरपुर दिख रहा है और जरा होशंगाबाद भी ले आइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने वर्चुअल क्लासेस के कोऑर्डिनेटर से कि बच्चों को माइक दे के उनको, बेटा होशंगाबाद अभी पूरा आ रहा था, अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए भाई छतरपुर वाले बच्चे, आप जो हैं वो आप ही लकी लोग हैं कि आपके पास माइक है और आप कनेक्टेड है, इसलिए आप पूछ सकते हैं। बताइए बेटा, जो भी मन में आ रहे हैं आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको आप जो है वो पूछिए। देखिए मैं फिर आपको यही बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर हम योग करते हैं तो हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, जो हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस को, तनाव को प्रभावित करने वाले जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो इससे एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए तनाव हमको कम फील होता है। दूसरे जो हमारा, हम अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं, हमारे अंदर तनाव को मैनेज करने की योग्यता बढ़ जाती है। दूसरे
जिन लोगों को बहुत अधिक तनाव किसी कारण से होता है, जिनको एडजस्टमेंट की समस्या होती है, जो है वो बिठा पाते हैं, लोगों के साथ समझौता नहीं कर पाते हैं, उन ये सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। योगा करने से हमारे अंदर एक अलग तरीके का हमें सुख की अनुभूति होती है। जब हम सुख की अनुभूति करेंगे तो हमारा दुख जो है वो कम हो जाएगा। हमारे अंदर जो है जो ऋणात्मक चीजें आ रही हैं, जो हमको दुखी कर रही हैं, वो हमारे दुख को दूर कर रही हैं, कर देती हैं। योग करने से हमारे अंदर जो डर रहते हैं वो खत्म होते रहते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। योग करने से आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। आप अपने लिए, आपके लोगों के साथ संबंध अच्छे विकसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जो है उनके कितने, हर पार्टी से जो है, हर व्यक्ति से कितने अच्छे संबंध हैं। अध्यात्म की तरफ चले गए हैं, बिजनेस की तरफ भी चले गए हैं, और कितने जो है वो अपने को मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी जो है वो अपने को डेवलप कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ा जो है वो बाबा रामदेव का, मैं यही मानूंगी, कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने योग जो है उसके लिए एक अवेयरनेस डेवलप कर दी है, इंडिया में भी और बाहर भी। अब अगर योग कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है उनके अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उनके जैसे करने लगते हैं। अब इसके बाद बेटा ये आपको 1-2 मिनट का चांस दे रहे हैं, 5 मिनट बचे हैं। अगर आपके पास माइक आ जाता है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस कर लीजिए। ये मुझे बार बार छतरपुरी जो है वही कनेक्टेड दिख रहा है, और छतरपुर के बच्चे कुछ मुस्कुराते हुए तो दिखते हैं, मगर सवाल करने में क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बेटा कोई शर्माने की बात थोड़ी है, आप जो हैं वो क्वेश्चंस पूछिए। छतरपुर के बच्चों आपकी पूरी क्लास जो है वो सामने दिख रही है। चलिए भाई, अब हमारी समय सीमा जो है वो भी समाप्त हो रही है। आपको मैं 2 मिनट के बाद, अगर आप के कोई सवाल आपको समझ में आ जाए तो आप हाथ उठा सकते हैं और माइक ले सकते हैं, वरना मैं इसको एंड कर दूंगी। इससे योग करने से जो है वो ये हमारे यंगर ग्रुप के लिए है, हमारे ओल्डर ग्रुप के लिए भी ये है कि रिलेशनशिप्स हमारी जो है वो अच्छी हो जाती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब अपने आप से सुखी होते हैं तब हमारे लिए जो है वो दूसरों को भी स्वीकार करना जो है, प्रेम भाव दिखाना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है और ज्यादा पॉसिबल होता है। अब इसके बाद मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एंजाइटी नहीं रहे, चिंता नहीं रहे, आपको डिप्रेशन नहीं रहे, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, तो आप अपने आप जो है वो रोज योग करिए। योग करने से जो है वो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और योग करने से जो हमारा अच्छा रहता है। इससे जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो ऊपर नीचे जो होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, देखिए परेशानियां तो आएंगी, बिकॉज लाइफ जो है इट इज फुल ऑफ
अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, सुख दुख, हाँ हम उस सुख दुख को, हम उस दुख को मैनेज कैसे कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर हमने जो है वो योग हम करते हैं तो हम इन सारी समस्याओं को और करते हैं और हम ज्यादा जो है वो अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो और उस इच्छा शक्ति को हम किसके अंदर बदल सकते हैं, क्रिया शक्ति में। हम क्रियाएं भी अच्छी कर सकते हैं, हम अपने अंदर जो है वो हमें जो चीज हम बदल सकते हैं उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो चीजें बदलाव में नहीं है हमारे उसको जो है वो हम वैसे ही स्वीकार कर। मान लीजिए अगर मेरी हाइट जो है वो 5'2" है और मैं क्या रोज इस बात पर परेशान हो रही हूँ कि मेरी अगर 5'6" होती हाइट तो मैं शायद बहुत अच्छी लगती। अब हाइट तो नहीं बढ़ सकती, हाँ अपनी मेंटल हेल्थ रोज खराब कर रही हूँ ये सोच सोच के कि काश मैं 5 फीट 6 इंच की होती। अगर मैंने योगा किया अब क्या हो जाएगा कि मैं अपनी जो चीजें बदल सकती हूँ उनको तो बदलाव ला सकते हैं, जैसे ज्यादा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं, ज्यादा उनको स्वीकार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस बात से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भैया अब इस उम्र में हाइट तो नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए हम जैसे भी हैं हमारी हमें अपने आप को ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए, इससे हम अपने अंदर एक सुख की अनुभूति करते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है वो विदा ले रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक अगर माइनर परसेंटेज भी योग करने लगी और उसको योग से फायदा हुआ तो मेरे ख्याल से 2-4% मेरे लेक्चर का कुछ असर हुआ है। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए ही करके देखिए कि क्या योग करने से आपको 1 हफ्ते या 10 दिन आपको किसी तरीके का फायदा लगता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य बेहतर लगता है। अगर लगता है तो आप जरूर जो है मुझे भी बताइएगा, जिसमें मैं इस चीज को और भी स्ट्रांगली जो है वो लोगों से कह सकूं कि योग करने से जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसके साथ साथ बेटा थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, टॉलरेटिंग मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।